इस कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विक्रांत, तो स्वागत है आप सभी का साइड की गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गली में आज कुत्ते पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मैन बैटल रॉयल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 10 बैटल रॉयल मैच होने वाला है, जिसके अंदर जो सबसे पहले रिंग से बाहर जाएगा वो हार जाएगा, और जो एंड में बचा रहेगा वो जीत जाएगा। तो देखते हैं, जल्दी से जल्दी दाव लगाइए कि कौन आपको क्यों लगता है कौन जीतेगा। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला प्लेयर स्टिंग होने वाला है। स्टिंग को कौन नहीं जानता, NXT हॉल ऑफ फेम, और मतलब रेसलमेनिया कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। ब्रॉक लेसनर को कोई भी नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोमन रिंग्स, ट्रिपल एच, बिग ई, जी उसो, जेमी उसो, और जॉन सीना, गोल्डबर्ग और रैंडी ऑर्टन। तो दोस्तों आज मैं दाव लगाने वाला हूँ स्टिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, स्टिंग इज बेस्ट ऑफ मैच ऑफ हमारे जैसे मुझे लगता है। तो मैं आज खेलने वाला हूँ स्टिंग से, और देखते हैं कि क्या होता है, और इस मैच में कोई भी निकल सकता है और कोई भी जीत सकता है। तो आइए चलते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो पर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम मैं रखना चाहता हूँ 500 का 500 तो मैं रख ही सकता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड ऑल भी गेम्स से मैं स्ट्रीमिंग करूँ और गेमिंग के गेम प्ले वीडियो डालूँ, तो आप अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो गाइज मैंने ये स्टिंग से स्टार्ट कर दिया है, और मैं ये प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि एक साथ ही सारे बंदे आ जाएं। तो देखिए, एक साथ ही सारे बंदे आ चुके हैं, और जहां तक मुझे लगता है गाइज, मुझे स्टिंग बनाया गया है। ये रहा मैं, और ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए कानों में आवाज दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है अब मुझे निकालना शुरू करना पड़ेगा। पहला बंदा एलिमिनेट हो चुका है, ब्लॉक लेसनर एलिमिनेट हो चुका है, रोमन रिंग्स ने ब्लॉक लेसनर को निकाल दिया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। और देखिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किससे लड़ूँ, तो मैं देखता हूँ गोल्डबर्ग। तो चलिए गोल्डबर्ग से ही लड़ा जाए। रोमन रिंग्स से भी हम लड़ सकते हैं वैसे, और रोमन रिंग्स ही हमसे लड़ रहा है। तो देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको ये कहूँगा कि रोमन रिंग्स से लड़ना कोई आसान नहीं है, और हम रोमन रिंग्स को मारें ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये हमने उठाया जे उसो को, और लगता है जे उसो को हम उठा के फेंक सकते हैं। और ये जे उसो को मैंने बाहर निकालने की कोशिश करी, बट जे उसो बाहर नहीं गया। और ये मैंने एक पटकी दी ये सोच कर कि मैं जे उसो को बाहर निकाल दूँगा, और ऐसा लगता है कि मैं जे उसो को बाहर निकालूँगा। पर ऐसा अगर हुआ तो बहुत अच्छा होने वाला है। लगता है अब मैं इसको निकाल दूंगा बाहर, लगता तो नहीं है ऐसा। और ये मैंने बस अब इसको मुझे मुक्के मुक्के मारने हैं। ओहो शिट, और ये जिमी उसो ने मुझे बचाया, जे उसो की पिटाई हो रही थी। लगता है रैंडी ऑर्टन को ही हमें मारना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, शिट, हियर आई कम, ओह हियर मैन, और मैं यहाँ एलिमिनेट हो चुका हूँ। मैं बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं भी एलिमिनेट हो सकता हूँ इसमें, और रैंडी ऑर्टन भी मेरे पीछे पीछे एलिमिनेट हो गया मुझे मारने के लिए। तो आप सब बताइए जल्दी से कि मुझे कौन सा प्लेयर लेना चाहिए, या मुझे सिर्फ देखना चाहिए इनका मैच कि इनमें से अपने आप लड़के कौन हारेगा। तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि मैं या इसमें कुछ बनूँ, या मैं इनको लड़ने दूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है मुझे शायद कि रोमन रिंग्स बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में बताइए। तो मुझे लगता है रोमन रिंग्स मुझे बन जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनका मैच चलते रहना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनका मैच चलने देता हूँ, कि जब कोई इनकी टीम में से नहीं निकलेगा तो मैं एक काम करूँगा कि मैं इसमें घुस जाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, पर मुझे घुसना पड़ेगा ज़रूर। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं बन जाता हूँ रोमन रिंग्स। जी हाँ, मैं बन गया हूँ रोमन रिंग्स, और चलिए देखते हैं कि क्या होता है। मुझे ही सब पेल रहे हैं पता नहीं क्यों। बच्चे उसो मुझे बचाने आया है, क्योंकि जिमी उसो जा चुका है, और मैं ही हूँ जो इन सबको वो कर सकता हूँ। और ये मैंने गोल्डबर्ग को बाहर फेंकने की कोशिश करी, पर मैं बाहर नहीं फेंक पाया। एक बार और मैं ट्राई करूँगा गोल्डबर्ग को बाहर फेंकने की, और मैंने गोल्डबर्ग को बाहर फेंक दिया। ओ नो, और ये जिमी उसो बाहर चला गया, मुझे ये नहीं लगा था। और अब मैं बिगी को मारूंगा, और
जल्दी से बताइए क्या होगा कि अब हम बचे हैं बहुत कम, जॉन सीना और गोल्डबर्ग, रोमन रेंस और पिगी। तो क्या लगता है आपको टॉप 10 मैच इतनी जल्दी होगा? और ये मुझे बहुत बुरा मारा गया, मैं बदला जरूर लूँगा। नहीं 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 यार, जॉन सीना नहीं मरना यार मुझे। तो आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है गेम प्ले? मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि मैं तो पहले ही गिर चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब एलिमिनेट हो चुके हैं तो अब बाहर से तो देख सकते नहीं, तो चलिए मुझे नहीं लगता ये मुझे छोड़ेगा। जॉन सीना मुझे छोड़ नहीं रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और 4 मिनट के अंदर ही गेम पलट गई, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता था। और ये जॉन सीना ने अपना फिनिशर दे दिया है, मैं इसके आगे नहीं आना चाहता। और ये जॉन सीना का फिनिशर, और ये पावर बॉम्ब देते देते मैं बच गया। क्या लगता है मुझे जॉन सीना से लड़ना चाहिए? मुझे बिगी से लड़ना चाहिए, मुझे लड़ना किससे चाहिए? इन तीनों को ही लड़ने दो अभी। अब मुझे जॉन सीना चाहिए। और ये पावर बॉम्ब, और ये वाला मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे बार बार दिखाना चाहिए, तो इस पार्ट को दोबारा देख लीजिए। ओ नो शिट, आप सबको क्या लगता है? जल्दी से बताइए, हम 3 बचे हैं इसमें, बिगी, रोमन रेंस और गोल्डबर्ग। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है इनके मैच में। मुझे लगता है मुझे गोल्डबर्ग को मानना चाहिए। यस, अब ऐसे मुझे मारोगे तो यार कैसे चलेगा यार, दोनों मुझे मार रहे हैं। अब Here I come. Oh. इसकी क्या हो गई? इसकी तो टांगे चिर गई थी। रिप्ले रिप्ले रिप्ले, राजा जी, इसका रिप्ले जरूर देखेंगे बिगी का। बिगी मुझे मारना चाह रहा है। सुपरमैन पंच, सुपरमैन पंच, सुपरमैन पंच, और ये हुआ बाहर, और बचे सिर्फ हम दो। सुपरमैन पंच, और मुझे लगता है कि मुझे, और ये अटैक तो बहुत अच्छा होने वाला है। सुपरमैन पंच, और अब मैं देने वाला हूँ इसे अटैक। जी हाँ, आप और हमें इसको बाहर निकालना है कैसे भी करके। मैं बाहर ना निकल जाऊँ, बस मुझे ये देखना है। ओह नो, हम बहुत अच्छा, ये ट्रिपल एस था, हम जब से गोड पर बोले जा रहे थे इसे, पर ये तो ट्रिपल एस निकला। सुपरमैन पंच, अब लगता है हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों मुझे ये मैच बहुत अच्छा लगा, तो अगर आप सबको भी मैच ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चाहते हैं इंटरेस्टिंग, और आप चाहते हैं इस रिलेटेड कि अगर इन बैटल रिलेटेड अगर मैं इनके ऊपर वीडियोस डालूँ, और नए नए चैलेंजेस को लेकर, नए नए अटैक्स को लेकर, और नए नए प्लेयर्स के साथ अगर मैं ये मैच खेलूँ, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं प्रॉपर वीडियोज़ के ऊपर ले आऊँगा। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको और कौन सी वीडियो देखनी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबक है, जय हिंद दोस्तों। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।